सुच्चा सिंह नगाह के बारे भी श्री अकाल तख्त साहब के वालों वड्डा बयान दिता गया। इस साफ तौर के उपर कह दिता गया है कि सुच्चा सिंह नगाह कोई माफ़ी नहीं दी गई, तो इस करके संगत उस कोई भी मिलवरतन ना करे। ही अयोध्या जो सबका जथेदार ज्ञानी इकबाल सिंह का बयान दिता गया सी, उस दे नाल भी असहमति जताई गई है। ये साफ तौर के उपर कहा गया कि सिख एक वक्री कौम सी है अते रहेगी, तो इसलिए किसी भी कोलों सर्टिफिकेट लैण की कोई लोड़ नहीं है। तो बड़े स्पष्ट बयान जड़े ने अज दिते गए ने श्री अकाल तख्त साहब के वालों पंच सिंह साहिबाना की इकत्रता तो बाद। सुच्चा सिंह नगाह नूं श्री अकाल तख्त साहब वालों कोई माफ़ी नहीं है, इसलिए संगतां इस नाल मिलवरतन जड़ा है वह बिल्कुल ना रखन। साबका जहेदार ज्ञानी इकबाल सिंह ने अयोध्या विखे एक समागम विच दिते बयान दे नाल साडी जिहड़ी है पंजे सिंह साहिबाना की असहमति है, और सिख एक वक्री कौम है। असी सारी दुनिया नूं सारे संसार नूं यह दस देना चाहते हाँ कि सिख एक वक्री कौम सी, वक्री कौम है अते वक्री कौम रहेगी। इसलिए सिखां नूं किसे कोलों स्पष्टीकरण जां सर्टिफिकेट लैण की जिहड़ी है कोई लोड़ नहीं है। पिछले दिनी गुरुद्वारा साहिबान विच अरदास करन वाले कुछ सिख नौजवानों नूं सरकार वालों गिरफ्तार किया गया, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि अरदास करना सिखां दा धार्मिक फर्ज है। सिख हमेशा ही अरदास राहीं राज करेगा, खालसा दे संकल्प नूं दृढ़ करदे हन, इसलिए अरदास करना कोई जुर्म नहीं। पर पैसे दे लालच विच कीती जा करवाई अरदास सिख धर्म दा अंग नहीं है। सिख नौजवानों नूं उकसाऊ बयानां तों सुचेत होण दी अज बहुत वड्डी लोड़ है।